बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। और मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है, हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे। और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। और हमने बचपन में 2 शहरों उत्तर प्रदेश के बड़े परिचित रहे, एक सीतापुर और दूसरा अलीगढ़। हमारे गांव में अगर किसी को आंख की बीमारी में ट्रीटमेंट करनी है तो हर कोई कहता था सीतापुर जाओ। हम ज्यादा समझते नहीं थे लेकिन सीतापुर शब्द सुनते थे। और दूसरा, इस महाशय के कारण अलीगढ़ बार बार सुनते थे। लेकिन साथियों, अब अलीगढ़ के रक्षा उपकरण भी, कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा।